हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? पढ़ाई कैसी चल रही है आप लोगों की? सो आर यू डूइंग गुड? यस। सो सीबीएसई का अपडेट आ चुका था एंड सिलेबस जो है 30% रिड्यूस हो चुका है। अगर हम इस चैप्टर की बात करें तो इस चैप्टर के अंदर एक ही टॉपिक बचता है जो हमें करना है, नहीं तो हमारे ये चैप्टर जो है ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। टॉपिक काफ़ी ज़्यादा छोटा है, ठीक है, थोड़ा उस चीज़ को हम समझ लेते हैं। सो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एक्शन पोटेंशियल। एक्शन पोटेंशियल या फिर हम उसको कह सकते हैं मैकेनिज्म ऑफ जनरेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पोटेंशियल। अब एक्शन पोटेंशियल क्या होता है, ठीक है, थोड़ा सा एक ग्लिम्स लेते हैं भाई। जैसे आप इस डायग्राम के अंदर देखें तो यहाँ पर क्या दिखाई देने लग रहा है, न्यूरॉन हैंड उसे जो इलेक्ट्रिक करंट जो है वो फ्लो होने लग रहा है कंटिन्यूअसली। तो ये इलेक्ट्रिक करंट बना कैसे, वो जो इलेक्ट्रिक करंट है हम उसको अलग से बोलते हैं एक्शन पोटेंशियल, या फिर उसको बोल लेते हैं इलेक्ट्रिक इम्पल्स। वो इलेक्ट्रिक इम्पल्स बनी किस तरीके से एक न्यूरोन के अंदर, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, न्यूरोन की स्टडी करनी पड़ेगी। तो न्यूरोन का हमें डायग्राम जो है वो अलग से देखना पड़ेगा। तो अगर हम न्यूरोन के अंदर देखें तो जो एक न्यूरोन है उसकी बॉडी के अंदर पाए जाते हैं ढेर सारी डेंड्राइट्स, एंड डेंड्राइट्स के बाद में एक काफ़ी बड़ा उसके अंदर एक्जोन पाया जाता है। एंड जो ये एक्जोन है ये आगे चल के इसको थोड़ा सा मैं बड़ा बना देता हूँ, जो एक्जोन जो है वो आगे चल के टर्मिनेट हो सकता है, किसी ना किसी कोई दूसरा न्यूरॉन ही हो जाए, तो ये भी न्यूरॉन, अगर दोनों न्यूरॉन होंगे तो हम उसको क्या कह देंगे, साइनेप्स। साइनेप्स का मतलब एक जंक्शन, किसका जंक्शन, दो न्यूरॉन के बीच का जंक्शन। लेकिन न्यूरॉन ना हो करके अगर यहाँ पर कोई मसल हो तो, और मसल के साथ अगर ये जुड़ा हुआ हो तो हम क्या कह देंगे इसको, न्यूरो मस्कुलर जंक्शन। तो यानी कि न्यूरॉन टू न्यूरॉन अगर जुड़ता है तो सिनेप्स, लेकिन अगर न्यूरॉन के साथ मसल जुड़ती है तो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन कहते हैं। क्या हमेशा ये किसी के साथ ही जुड़ा रहता है? नहीं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। इसकी जगह हो सकता है कि ये किसी के साथ जुड़ा हुआ हो ही ना, एंड अगर ये किसी के साथ में नहीं जुड़ा हुआ, इसकी कुछ नर्व की एंडिंग जो है वो बाहर हमें निकली दिखाई जो है वो देंगी, एंड हम उसको अलग से कह देंगे कि ये क्या है, नर्व एंडिंग है। तो ये सभी क्या है, नर्व एंडिंग। आपकी बॉडी में जहाँ कहीं पर भी गुदगुदी होती है ना, वो नर्व की एंडिंग ही है, ठीक है। आपकी बॉडी का चाहे कोई भी पार्ट हो तो वो एक रिसेप्टर की तरह एक्ट करता है और वहाँ पर सेंसेशन होती है। जहाँ पर सेंसेशन हो यानी कि न्यूरोन की एंडिंग वहाँ पर है, ठीक है जी, इतनी चीज़ क्लियर है। एंड ये न्यूरॉन किसके साथ जुड़ा हुआ है, ये एक एक्सोन के साथ में जुड़ा हुआ है। हमने जो डायग्राम देखा था उसके अंदर हमने क्या देखा था कि इलेक्ट्रिक इम्पल्स जो है वो फ्लो करने लग रही है, ऊपर से नीचे की तरफ जो है वो फ्लो करने लग रही है। वो फ्लो होती किस तरीके से है, तो उसके लिए एक आयनिक थ्योरी जो है एक्सले ने दी है। वो आयनिक थ्योरी क्या कहती है कि जो ये काम होने लग रहा है उसके पीछे जो मैकेनिज्म है उसमें तीन अलग टाइप की प्रोसेसेस इन्वॉल्व है। पहली जो प्रोसेस है उसको हम कहते हैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। एक एक्शन पोटेंशियल था, एक रेस्टिंग पोटेंशियल होता है। रेस्टिंग पोटेंशियल का मतलब क्या है, वेल पोटेंशियल का मतलब है कि उसके अंदर कितना चार्ज प्रेजेंट है, एंड सेपरेशन अगर उसके अंदर कर रखा है तो कितना चार्ज उसके अंदर सेपरेटेड है। अगर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करने लग रहा है तो इसका मतलब पक्का यही है कि चार्ज सेपरेट हो रखा है एंड उस चार्ज का फ्लो होने लगने लग रहा है। तो जो न्यूरॉन है तो उसके अंदर भी चार्ज का सेपरेशन है, और वो चार्ज का सेपरेशन किस तरीके से है कि बाहर की तरफ तो आपको मिलेंगे नेगेटिव चार्ज, बाहर की तरफ तो आपको मिलेंगे पॉजिटिव चार्ज वाले पार्टिकल्स, और आपको अंदर की तरफ मिलेंगे नेगेटिव चार्ज पार्टिकल। तो कभी भी इस टाइप की अगर सिचुएशन होती है कि बाहर पॉजिटिव चार्ज और अंदर जो है नेगेटिव चार्ज है, तो इसको हम कह देते हैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन,
ठीक है, यानी कि अभी तक यहाँ पे कोई चेंज नहीं, या फिर इन अदर वर्ड हम इसको कहते हैं पोलराइजेशन। अब ये पोलराइजेशन होती क्यों है? वेल, होती है इस वजह से है बिकॉज देर इज ए पंप, जो पंप है उसको हम कहते हैं सोडियम पोटेशियम पंप। और जो ये सोडियम पोटेशियम पंप है वो क्या करता है कि तीन जो सोडियम आयन होंगे, सोडियम आयन जो तीन होंगे वो तो ये सेंड कर देता है बाहर की तरफ, एंड दो पोटेशियम के आयन ये सेंड कर देता है अंदर की तरफ। ठीक है, तो एंटीपोल्ट की तरह काम करता है, कुछ चीजें बाहर की तरफ और कुछ चीजें अंदर की तरफ, लेकिन वो स्पेसिफिक है भाई, सोडियम और पोटेशियम इसी का एक्सचेंज करेगा और किसी चीज का एक्सचेंज नहीं करेगा। लेकिन वो एक्सचेंज किस तरीके का हो गया कि भाई तीन तो ऊपर चले गए और दो जो है वो अंदर की तरफ हो गए, तो उससे क्या हो गया, उससे तो भाई ये हो गया कि पॉजिटिव चार्ज बाहर जो है वो ज्यादा होगा और अंदर जो है नेगेटिव, अंदर जो है पॉजिटिव चार्ज रिलेटिवली कम होगा, है ना। तो एक चार्ज का सेपरेशन जो है इस वजह से हो गया। दूसरा भाई, बाहर जो है न्यूट्रिएंट ज्यादा होते हैं और जो सेल का वेस्ट जो है वो भी यहाँ पर पाया जाता है, जो O2 है CO2 है वो भी यहाँ पर जो है अलग से पाई जाती है, सोडियम के साथ में अलग से क्लोरीन जो है वो भी पाई जाती है। अगर हम यहाँ पर देखें तो इसके अंदर कई सारे प्रोटीन पाए जाते हैं, एंड वो प्रोटीन के अंदर चार्ज किस तरीके का है, नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव तो इसके अंदर पहले से था, पॉजिटिव चार्ज पहले से कम है, तो इस वजह से क्या होता है, क्योंकि नेगेटिव प्रोटीन है जो बड़े साइज के हैं एंड पॉजिटिव चार्ज अंदर की तरफ रिलेटिवली काफ़ी कम है, इसी वजह से अंदर जो चार्ज बनता है वो रिलेटिवली कम पॉजिटिव बनता है, इसी वजह से हम कह देते हैं कि वो नेगेटिव बन गया। और बाहर की तरफ देखें तो पॉजिटिव चार्ज जो है वो ज़्यादा है, तो अंदर कैसा चार्ज हो गया, पॉजिटिव हो गया। असल में जो चार्ज का सेपरेशन है उसकी अगर हम एमीटर लगाएं एंड वहाँ पे मापें कि कितना करंट वहाँ पर बनता है, तो वहाँ पर बनता है -60 mV। अब -60 mV जो है वो काफ़ी छोटा करंट है, ठीक है, मतलब माइन्यूट सा, ऐसे उसको करंट कहते नहीं है, बट वैसे तो आपकी बॉडी के अंदर इतने ज़्यादा इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करने लग रहा है, आपको कभी पता चल जाए कि हाँ अब जो है करंट यहाँ से चला, यहाँ पे चला, यहाँ से, बिकॉज उसकी जो इंटेंसिटी है वो रिलेटिवली काफ़ी कम होती है। तो जो थ्योरी है उसके हिसाब से ये बताया गया कि अंदर जो चार्ज है वो नेगेटिव है और बाहर का चार्ज कैसा है, पॉजिटिव है। इसको रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो है वो नाम दिया गया। ठीक है भाई, इतनी चीज़ क्लियर हो गई। अब दूसरी चीज़ स्टार्ट होती है, इस टर्म को हम और अलग चीज़ भी कह सकते हैं, वो क्या, पोलराइजेशन, या तो पोलराइजेशन कह दे या फिर रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कह दे, कुल मिला के बाद जो है वो एक ही है। अब उसके बाद क्या होता है, लेट से कोई पर्सन है, किसी ने उसको छुआ ठंडे हाथों से या गर्म हाथों से, या फिर कोई प्रिक आया, या फिर कुछ भी ऐसी चीज़ें हुई, तो आवर बॉडी है वो रिसेप्टर्स, एंड जो रिसेप्टर होते हैं वो एकदम से सेंस करते हैं, केमिकल रिएक्शन स्टार्ट होती है, एंड उसकी वजह से हमारा जो न्यूरॉन है उसके अंदर एक बड़ा चेंज होता है। और वो बड़ा चेंज क्या क्या होता है, जैसे ही इनको कोई भी स्ट्यूमुलस मिलती है, तो स्ट्यूमुलस मिलने के बाद में जो न्यूरॉन है उस न्यूरॉन के अंदर स्पेसिफिक, ये अगर हम ऊपर की बात करें तो ये इसकी न्यूरोलीमा है, यानी कि न्यूरॉन की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन है तो फॉस्फोलिपिड की बनी हुई, उसके अंदर कुछ प्रोटीन भी पाए जाते हैं। तो ये जो एक लाइन जो मैंने दिखाई है वो एक्चुअल में न्यूरॉन की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर ढेर सारे चैनल पाए जाते हैं। अब उसमें से कुछ चैनल जो है वो सोडियम चैनल है, कुछ चैनल कौन से हैं, सोडियम चैनल। और जैसे ही स्ट्यूमुलस मिलती है तो ये सोडियम चैनल खुल जाते हैं, एंड खुलने के बाद क्या होगा, बाहर भाई ज्यादा क्या चीज थी, सोडियम आयन ही ज्यादा थे, एंड सोडियम आयन के नाम का चैनल जो है वो खुल चुका है, तो उससे होगा क्या कि जो सोडियम आयन है वो अंदर की तरफ आएंगे, सोडियम आयन अंदर की तरफ आएंगे। अब सोडियम आयन अंदर की तरफ आएंगे तो उससे क्या होगा, बाहर का जो पॉजिटिव चार्ज था वो रिलेटिवली अंदर आ जाएगा, अंदर आ जाएगा तो अंदर चार्ज कैसा हो जाएगा, अंदर चार्ज हो जाएगा पॉजिटिव। ठीक है, केवल इस जगह पे, ये जो हमारी जगह है, लेट से ए पॉइंट है, यहाँ पर जो है सोडियम चैनल खुला, एंड खुलने के बाद क्या हुआ, जो सोडियम आयन जो है वो अंदर चले गए, और अंदर जाने के बाद क्या हुआ,
अंदर जो है पॉजिटिव चार्ज चला गया। अगर अंदर पॉजिटिव चार्ज चला गया तो बाहर कैसा रह जाएगा? वेल, अगर अंदर ये चला गया तो बाहर की तरफ तो नेगेटिव हो जाएगा। अब जब ये चार्ज का सेपरेशन, क्योंकि पहले क्या था, पहले तो पॉजिटिव चार्ज बाहर था और नेगेटिव चार्ज अंदर की तरफ था। अब जब ये चीज होगी तो उसका मतलब क्या है कि जो चार्ज जो है वो रिवर्स हो गया, रिवर्स हो गया। तो इसी वजह से हम इसको बोल लेते हैं कि ये एक अलग स्टेट है जिसको हम कहते हैं डीपोलराइजेशन। डीपोलराइजेशन, पोलराइज करना यानी कि पॉजिटिव चार्ज अंदर, नेगेटिव चार्ज अंदर, पॉजिटिव चार्ज बाहर, नेगेटिव चार्ज अंदर। डीपोलराइजेशन यानी कि बाहर चार्ज अब नेगेटिव हो गया और अंदर चार्ज कैसा हो गया? नेगेटिव हो गया। क्लियर है भाई यहां तक? अंदर चार्ज कैसा हुआ? पॉजिटिव हो गया, ठीक है। बाहर कैसा हो गया? नेगेटिव हो गया। अब अगर यहां पर देखें तो ये जो चार्ज है ये आगे की तरफ बढ़ता है। ये पॉजिटिव चार्ज कहां जाएगा? आगे की तरफ जाएगा, ठीक है। और यहां पर क्या होता है कि यहां पर जो पॉजिटिव चार्ज था वो कहां चला जाएगा? वो चला जाएगा यहां की साइड, ठीक है जी। तो अगर हम यहां पर देखें तो यहां पर अब जो सिचुएशन बनेगी वो सिचुएशन कुछ इस टाइप की बनेगी कि बाहर की तरफ अब कैसा चार्ज हो जाएगा? नेगेटिव। और अंदर की तरफ कैसा हो जाएगा चार्ज? पॉजिटिव हो जाएगा। तो मैं ये ब्लैक पेंस दिखा दूं, और अंदर चार्ज कैसा हो जाएगा? यहां पर चार्ज हो गया नेगेटिव और यहां पे कैसा हो गया? पॉजिटिव। अब इसको मान लेते हैं हम बी स्टेज। तो यहां पर एक इलेक्ट्रिक इंपल्स जनरेट हुई है भाई, और वो इलेक्ट्रिक इंपल्स अब कहां पर चली गई? इस बी पॉइंट पे चली गई। फिर उसके बाद क्या होता है, ये और आगे बढ़ता है और ये पीछे की तरफ जाता है। तो जब इस तरीके का काम होगा तो फिर उससे क्या होगा? वेल, इससे यही होगा कि नेक्स्ट जो पॉइंट होगा वहां पर चार्ज कैसा आ जाएगा? पॉजिटिव आ जाएगा। ये पॉइंट ले लेते हैं, लेट्स से ये पॉइंट क्या है हमारा? सी पॉइंट है। और ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा? ऊपर जो है नेगेटिव आ जाएगा। तो डीपोलराइजेशन पहले इस पॉइंट पे, फिर इस पॉइंट पे, और फिर इस पॉइंट पे आने लग रही है। तो ये करंट हमें फ्लो करता हुआ दिखाई देता है, जिस तरीके से ये दिखाई देने लग रहा है। तो जो एक करंट फ्लो करने लग रहा है किस वजह से, कि जो डीपोलराइजेशन पहले ए स्टेज पे थी, फिर वो बी पे आ गई, बी से सी पे आ गई, सी से डी पे, डी से सोन, ठीक है, ई एफ जी एच, और ये कंटिन्यूसली चलती रही। कहां तक चलती रहेगी? जब तक न्यूरॉन एंड नहीं हो जाता। इवन एंडिंग के बाद भी जो है चलता रहता है, क्योंकि उसके बाद क्या, कोई ना कोई स्नैप्स आ जाएगा एंड उसके बाद फिर दोबारा से चलेगा। बट यहां पर जो इंपॉर्टेंट बात समझने की थी वो ये कि डीपोलराइजेशन का मतलब ये है कि बाहर का जो सोडियम आयन है वो अंदर की तरफ जाता है और चार्ज जो है रिवर्स हो जाता है, जिसकी वजह से डीपोलराइजेशन होती है, ठीक है। तो जब ये ए पॉइंट से बी पॉइंट पे जब आ जाता है तो बी पॉइंट पे आने के बाद डीपोलराइजेशन तो आगे बढ़ गई, लेकिन ए वाली जगह पे होगा क्या? वेल, ए वाली जो जगह है वहां पर एक दूसरा, एक अलग टाइप का चैनल खुल जाता है, और वो जो अलग टाइप का चैनल खुलता है वो यहां से क्या सेंड कर देगा? वो यहां से सेंड कर देगा पोटेशियम आयन। पॉजिटिव चार्ज जो है वो बाहर चला गया। पॉजिटिव चार्ज अगर बाहर चला गया तो यहां पर चार्ज कैसा आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। यहां पर भी अब जो इस पॉइंट के अंदर जो बी पॉइंट है उसके अंदर क्या होगा? वेल, बी पॉइंट के अंदर ये होगा कि जो चार्ज है पोटेशियम आयन जो है वो बाहर चला जाएगा। क्यों? क्योंकि यहां पे दूसरा चैनल अब काम करने लग रहा है, और वो कौन सा है? पोटेशियम चैनल का। और पोटेशियम आयन, पोटेशियम चैनल जो है वो बाहर चले जाते हैं। अब जो यहां पर स्टेज बनी है उसमें क्या हो गया? अंदर की तरफ कैसा चार्ज है? वेल, अंदर की चार्ज तो नेगेटिव हो गया, और बाहर की तरफ कैसा हो गया? वहीं पॉजिटिव हो गया, वहीं पहले वाली स्टेज जो है वो आ गई। तो इसका मतलब क्या हो गया कि एक अलग स्टेज आ गई जिसको हम कहते हैं क्या? रीपोलराइजेशन। ये डीपोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन। तो तीन अलग अलग टाइप की स्टेजेस होगी इसके अंदर।
तो तीन अलग अलग टाइप की इसके अंदर स्टेजेस होगी। कौन कौन सी? एक होगी रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल की, फिर उसके बाद डीपोलराइजेशन एंड फिर उसके बाद में रिपोलराइजेशन, यानी पोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन एंड रिपोलराइजेशन। ठीक है, रिपोलराइजेशन हो गई भाई, ठीक है, उससे क्या होगा, जैसा चार्ज पहले था वो वैसा ही दोबारा से चार्ज जो है हो जाएगा। जब इस तरीके का चेंज होता है तो वो अराउंड जो है यानी डीपोलराइजेशन होती है, तो केवल 30 मिलीमीटर मिली वोल्ट का इलेक्ट्रिक करंट जो है वो प्रोड्यूस होता है। फिर अब अगर हम यहाँ पे देखें तो न्यूरॉन के अंदर कंपोजिशन क्या होगी अंदर की तरफ, वेल अगर हम यहाँ पे देखें तो सोडियम आयन ज़्यादा होगी और बाहर कैसे होगी, जो पोटेशियम आयन जो है वो ज़्यादा होगी। तो स्टार्टिंग में क्या कंडीशन थी, स्टार्टिंग में तो कंडीशन ये थी कि सोडियम आयन बाहर की तरफ ज़्यादा थे और पोटेशियम आयन अंदर की तरफ ज़्यादा थे। तो इसका मतलब ये है कि एक और अलग से फेज जो है वो चाहिएगा, उस अलग फेज को हम कहते हैं रिफ्रैक्टरी फेज। और जो रिफ्रैक्टरी फेज है उसके अंदर क्या होता है कि जो पंप है वो काम करने लग जाता है, वो सोडियम आयन को तो बाहर भेजने लग जाएगा और जो पोटेशियम आयन है उसको अंदर की तरफ जो है वो भेजने लग जाएगा। पोटेशियम आयन ज़्यादा अंदर की तरफ आ गए थे ना, तो उनको क्या करने लग जाएगा, बाहर की तरफ भेजने लग जाएगा, और जैसी स्टेज पहले से बनी हुई थी वो ऐसी स्टेज जो है दोबारा से बन जाएगी। तो अगर हम मैकेनिज्म देखें तो मैकेनिज्म क्या है, वेल मैकेनिज्म ये है कि पहले न्यूरॉन कैसे स्टेज के अंदर होता है, पोलराइज स्टेट के अंदर होता है। क्यों होता है? बिकॉज ऑफ सोडियम पोटेशियम पंप नेगेटिव जो प्रोटीन जो है वो ज़्यादा होते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, कोई ना कोई स्टिमुलस आती है, उसकी वजह से क्या होता है, सोडियम आयन खुलते हैं, सोडियम चैनल खुलते हैं, सोडियम आयन अंदर की तरफ आता है एंड वो ए पॉइंट से बी, बी से सी, सी से डी, डी से ई, ई से एफ, सोन जो है वो चलता रहता है एंड जो प्रीवियस जगह है वहाँ पे पोटेशियम आयन निकाल करके दोबारा से रिपोलराइजेशन होती रहती है। दोबारा से वैसी कंडीशन बनाने के लिए एक अलग से रिफ्रैक्टरी फेज जो है वो आ जाता है और दोबारा से कंपोजिशन जो है वो सेम हो जाती है। अब वो सेम हो गई तो उसके बाद में अब दोबारा से फिर दोबारा से इलेक्ट्रिक करंट जो है वो प्रोड्यूस हो जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि जो न्यूरॉन है वो उसकी दो मेन प्रॉपर्टी है। एक तो क्या है, उसके अंदर इरिटेबिलिटी है, वो एक्साइटेशन वाली जो करेक्टरिस्टिक जो है वो है। अगर हम यहाँ पे देखें तो जैसे ही स्टिमुलस मिली तो ये एक्साइट हो गया, तो एक प्रॉपर्टी कौन सी होगी इसकी, इरिटेबिलिटी, एक्साइटेशन की प्रॉपर्टी हो गई। दूसरी इसकी प्रॉपर्टी क्या है, कंडक्शन, एक पॉइंट से बी, बी से सी, सी से डी, डी से ई, डी से ई से एफ एंड सो ऑन, धीरे धीरे करके ऐसे जो है वो बढ़ता चला जाएगा। तो यानी कि कंडक्शन की भी इसकी प्रॉपर्टी जो अलग से मिलती है। जब इलेक्ट्रिक करंट यहाँ से यानी डिपोलराइजेशन यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ जाता है, तो इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, इम्पल्स बोलते हैं। इसको अलग से बोलते हैं नर्व इम्पल्स, नर्व इम्पल्स यानी इलेक्ट्रिक फ्लो। और इलेक्ट्रिक फ्लो का मतलब क्या है कि जो एक्शन पोटेंशियल जो है वो जनरेट हुआ है एंड वो एक जगह से दूसरी जगह पर जो है वो जाने लग रहा है। ठीक है, अगर न्यूरॉन का एक जगह पर एंड होने लग रहा है तो उसके बाद में क्या कंडीशन हो सकती है, वेल उसके बाद में हो सकता है कि नर्व की एंडिंग हो। नर्व की एंडिंग में तो बता दी भाई, वो तो क्या करेगा, गुदगुदी करेगा वहां पे। ठीक है, तो वहां पे तो टिकलिंग वगैरह जो है वो होती रहेगी। लेकिन अगर वहां पे अगर दूसरा न्यूरॉन हुआ तो अगर दूसरा न्यूरॉन वहां पर है तो वहां पर दो कंडीशन लग सकती है। एक हो सकता है कि जो यहां पर दूसरा न्यूरॉन हो उस न्यूरॉन के साथ में ये पहले वाले न्यूरॉन के बीच में एक गैप जंक्शन हो, तो इसको मैं थोड़ा अलग टाइप का जो है वो बना दूं, क्या हो, दोनों के बीच में एक गैप जंक्शन हो, तो ये हो गया एक गैप जंक्शन, गैप जंक्शन। गैप जंक्शन का मतलब क्या है, दो न्यूरॉन के बीच में भाई एक ट्यूब है और ट्यूब के जो आयन जो है वो यहाँ से फ्लो करते हुए डायरेक्टली यहाँ पर चले गए, तो जो इलेक्ट्रिक करंट यहाँ पर बना था वो डायरेक्टली यहाँ की तरफ चलेगी। इस टाइप के न्यूरॉन के बीच में जो यहाँ पर कनेक्शन है वो डायरेक्ट है, लेकिन हर केस में ऐसा नहीं है। डेफिनेटली यहाँ पर जो स्पीड होगी वो काफ़ी रिलेटिवली फास्ट होगी, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता। कुछ केस में क्या होता है, कुछ केस क्या मतलब अधिकतर जो न्यूरॉन होते हैं वहाँ पर ये गैप जंक्शन नहीं पाया जाता, वहां पर एक न्यूरॉन और दूसरे न्यूरॉन के बीच में स्पेस जो है वो रहता है, लेकिन वो स्पेस जो है वो रिलेटिवली काफ़ी छोटा होता है। अब अगर इस वाले स्पेस को हम देखें, वैसे इसको बोलते हैं हम स्नैप्स,
ठीक है, वो पहले वाला इलेक्ट्रिक स्नैप्स था, ये वाला जो है केमिकल स्नैप्स है। इसके अंदर क्या है कि जैसे ही न्यूरॉन जो है टर्मिनेट करता है, तो एक तो वो मेम्ब्रेन है जो पहले वाले न्यूरॉन की थी, उसको हम कह सकते हैं प्री स्नैप्टिक मेम्ब्रेन, एंड दूसरी होगी पोस्ट स्नैप्टिक मेम्ब्रेन। ठीक है जी, तो जैसे ही इलेक्ट्रिक करंट यहां से बहता हुआ यहां पर आता है, तो उसके बाद क्या होगा, वेल इसके अंदर आ जाता है क्या, कैल्शियम आयन। कैल्शियम आयन के आने के बाद क्या होगा, वेल यहां पर काफी सारी वेसिकल्स जो है वो प्रेजेंट है, उन वेसिकल्स के अंदर कुछ केमिकल भरा हुआ है, क्योंकि न्यूरॉन के अंदर कुछ ऐसा केमिकल भरा हुआ है, इसी वजह से हम उसको अलग से कह देते हैं न्यूरो ट्रांसमीटर। अलग अलग टाइप के न्यूरो ट्रांसमीटर हो सकते हैं, एक हो सकता है जैसे एसिटल कोलिन जो है वो हो सकता है। जैसे कैल्शियम आयन यहाँ पर आएगा, तो जो ये स्नैप्टिक वेसिकल है ये इस मेम्ब्रेन के साथ में फ्यूज हो जाएंगी, और जब ये इस मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज होंगी तो यहाँ से केमिकल जो है वो निकलना स्टार्ट होगा, यानी न्यूरो ट्रांसमीटर यहाँ से निकलना स्टार्ट होगा, एंड वो कहाँ पे जाएगी, पोस्ट स्नैप्टिक मेम्ब्रेन के अंदर जो है चली जाएगी। अब पोस्ट स्नैप्टिक मेम्ब्रेन के अंदर काफ़ी सारे चैनल्स होंगे, उन चैनल के पास में सर्टेन रिसेप्टर जो है वो प्रेजेंट होंगे, और वो रिसेप्टर किस चीज़ के होंगे, वेल वो रिसेप्टर होंगे एसिटल कोलिन के। उन रिसेप्टर के साथ जैसे ये बाइंड करेंगे वैसे ही ये चैनल जो है वो खुल जाएंगे, और जैसे ही खुलेंगे तो सोडियम आयन जो है वो अंदर की तरफ चला जाएगा, और जैसे अंदर जाएगा तो इलेक्ट्रिक इंपल्स जो है जनरेट हो जाएगी। तो एक न्यूरॉन और दूसरे न्यूरॉन के बीच में अगर स्नैप्स बना हुआ है, तो वहाँ पर न्यूरो ट्रांसमीटर सिक्रीट करके सोडियम चैनल को ओपन करवा देते हैं, एंड उसकी वजह से क्या होता है कि जो इलेक्ट्रिक इंपल्स जो है वो आगे की तरफ जो है बढ़ने लग जाती है। ठीक है जी, फिर क्या ये हमेशा खुला रहेगा, नहीं ऐसा नहीं है। उसके बाद क्या होगा, एक अलग से एंजाइम है जिसका नाम है एसिटल कोलीन एस्ट्रेज। एसिटल कोलीन एस्ट्रेज क्या करता है कि ये जो न्यूरो ट्रांसमीटर है इनको वापस इसके अंदर एब्जॉर्ब करवा देता है। वो कैसे, एसिटल कोलीन को यो एसिटिक एसिड एंड कोलीन के अंदर कन्वर्ट कर देता है, एंड वो सिंप्लीफाइड सब्सटेंस होते हैं जो कि यहाँ पर एब्जॉर्ब होकर दोबारा से ऊपर की तरफ चले जाएंगे, एंड जब ऊपर की तरफ चले जाएंगे तो फिर दोबारा से ये चैनल जो है वो बंद हो जाएंगे। सिंपल सा है ना, बंद हो गए तो उसके बाद में जब दोबारा से कोई स्टिमुलस आएगी तो फिर दोबारा से एक्शन पोटेंशियल जो है वो स्टार्ट होगा, नहीं तो ये जो है अब बंद रहेंगे। क्या न्यूरोट्रांसमीटर केवल एक ही टाइप का होता है, नहीं, न्यूरोट्रांसमीटर तो अलग अलग टाइप के होता है। अब पीछे पड़ गया है ना, एक एसिटल कोलिन था, एक जो है एड्रेनलिन था, एक नोरेपिनेफ्रिन था, इसी तरीके से गाबा भी अलग से है, डोपामिन जो है वो भी अलग से होता है, तो ढेर सारे जो है न्यूरोट्रांसमीटर जो है वो होते हैं। अब कुछ डिजीज जो है वो हम देख ले, लास्ट देखते हैं हम, लास्ट क्या है हमारा, डिजीजेस। ठीक है, न्यूरल सिस्टम की डिजीज, तो फाइनली जो है हम एंड आ चुके हैं। पहली है हमारी डिजीज कौन सी, पोलियोमाइलिटिस। पोलियोमाइलिटिस यानी कि वही पोलियो नॉर्मली जैसे हम देखने में मिलता है वायरल डिजीज है, जिसकी वजह से क्या होता है, एक पर्सन जो है अपनी मसल के ऊपर कंट्रोल नहीं रख पाता, एंड वो चीज़ जो है उसकी अंडर डेवलप जो है वो रहती है। जनरली जो एंटीरियर हॉर्न होते हैं हमारे स्पाइनल कॉर्ड के, वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, उनकी सेल बॉडी जो है डिस्ट्रॉय हो जाती है बिकॉज ऑफ दिस पोलियो डिजीज जो है हो जाती है। मेनेंजाइटिस, आईटिस लग गया भाई, यहाँ पे भी आईटिस है और यहाँ पे भी आईटिस है। आईटिस का मतलब क्या है, इन्फ्लामेशन जो है वो उसको हो गई, तो मेनेंजाइटिस। ठीक है, यानी कि ब्रेन को प्रोटेक्ट करने वाली जो लेयर जो है वहाँ पर इन्फ्लामेशन होगी, वहाँ पर स्वेलिंग होगी, उनका साइज जो है बड़ा हो गया। ठीक है, एक टाइप से ब्रेन फीवर, इंसेफलाइटिस जो है वो कह सकते हैं। ऐसे न्यूराइटिस, न्यूरोन के अंदर अगर इन्फ्लामेशन हो जाए तो उसको हम बोल देते हैं। मल्टीपल स्क्लेरोसिस, स्क्लेरोसिस का मतलब क्या है, हार्डनिंग हो गई, और एक जगह से नहीं, कई जगह से। तो न्यूरॉन के ऊपर होती है माइलिन शीथ, अगर वो माइलिन शीथ अगर डिस्ट्रॉय होकर के वहाँ पर अगर हार्डन टिश्यू अगर आने लग जाए तो हम क्या कहेंगे, वेल वो मल्टीपल स्क्लेरोसिस जो है हो गई, तो ये भी काफ़ी बैड प्रॉब्लम है।
स्काइटिया, स्काइटिक, स्काइटिक एक नर्व होती है जो हमारे यहाँ से स्टार्ट होके, हमारा जो ये लोअर एरिया है यहाँ से स्टार्ट होके और पूरी लेग तक यानी नीचे तक जो है वो गई हुई होती है। सबसे बड़ी जो नर्व होती है वो यहीं होती है। क्या हो कि हमारी जो वर्टिब्रल कॉलम है वो थोड़ी सी अगर इधर उधर हो जाए तो क्या होगा, वेल वो जो काफ़ी बड़ी नर्व जो है वो थोड़ी इधर उधर हो जाएगी और इधर उधर होने से क्या होगा भाई, वो इट लीड टू मोर सेंसेशन और सेंसेशन होगी तो दर्द होने लग जाएगा, तो पूरे पैर में दर्द होने लग जाता है। नॉर्मली जिसकी स्लिप डिस्क है ना उसके पैरों के अंदर झनझनाहट से वो रहती है। कारण क्या है, वेल वो नर्व गई हुई है एंड उसकी वजह से स्काइटिया जो है वो हो जाती है डिजीज। पार्किंसन, मोहम्मद अली के बारे में सुना आपने कुछ? मोहम्मद अली ठीक है, एक बहुत बड़ा बॉक्सर था, ठीक है, कैसा लगता है, खूंखार लगता है। तो इसके जैसे जैसे एज प्रोसीड होने लगी तो हाथ पैर जो है वो कांपते थे एंड इट वाज थिंकिंग कि उसकी जो मसल जो है वो डिप्रेस होने लग रही है एंड लेटर ऑन ये पाया गया कि इसको एक डिजीज़ हो गई है जिसका नाम है पार्किंसन एंड बिकॉज ऑफ ए न्यूरोट्रांसमीटर जिसका नाम है डोपामिन। तो वो इसको उसके न्यूरोन तक नहीं पहुँचता था एंड अल्टीमेटली उसकी वजह से उसको ये डिजीज़ जो है वो सफ़र करना पड़ा। तो काफ़ी पॉपुलर एग्जांपल है, एक बहुत बड़ा बॉक्सर जो दूसरों को तोड़ता फोड़ता रहता था एंड अल्टीमेटली उसके साथ में कुछ ऐसा होने लग रहा है। वैसे आदमी इतना बुरा नहीं था बट मैदान में काफ़ी ज़्यादा मतलब उससे खूंखार कोई नहीं। एनीवे, अल्जाइमर भाई, अल्जाइमर एक ऐसी डिजीज़ है जिसके अंदर एक जो पर्सन जो है उसकी मेमोरी लॉस होने लग जाती है प्रोग्रेसिवली। तो जैसे आपने अपने दादा वगैरह देखे होंगे तो वो भूलने लग जाते हैं चीज़ों को, वेल बिकॉज ऑफ जो एरिया है ब्रेन के वो वहाँ पर फैटी चीज़ जो है वो जमा होने लगने लग जाती है और अल्टीमेटली उससे क्या होता है कि जो मेमोरी जो है वो रिलेटिवली कम होने लगने लग जाती है। उसी चीज़ को हम बोलते हैं क्या, अल्जाइमर। सिजोफ्रेनिया, सिजोफ्रेनिया ठीक है, एक बहुत पॉपुलर साइंटिस्ट था जिसने नैश थ्योरी अलग से दी है प्रोबेबिलिटी के ऊपर। तो उसको एक बीमारी थी और वो बीमारी क्या थी कि सामने कोई आदमी है नहीं बट वो इमेजिन, उसकी इमेजिनेशन ऐसी थी कि नहीं वो सामने है एंड उसने बहुत सारे ऐसे गलत काम किए कि मतलब बिकॉज ऑफ दी हेलोसिनेशन। ये हेलोसिनेशन समझते हैं क्या है, कुछ इस टाइप का होता है हेलोसिनेशन। सो उस पर्सन को हेलुसिनेशन जब होता है तो उसको हम बोल देते हैं सिजोफ्रेनिया। ब्रोका एफेजिया एंड वर्निक्स एफेजिया, एफेजिया मतलब बोल नहीं पा रहा। क्यों नहीं बोल पा रहा, क्योंकि वो समझ नहीं पा रहा। अब अगर वो ना समझे तो टेम्पोरल लोब के अंदर एक वर्निक्स एरिया है वो डिस्ट्रॉय हो गया या फिर उसके अंदर कुछ प्रॉब्लम होगी, डिग्रेडेशन होगी, या फिर हो सकता है वो बोलने में इनएफिशिएंट हो, उसका जो मोटर एरिया है वो इन्फेक्ट हो गया हो। कि वैसे तो वो समझ लेता है सब कुछ लेकिन बोल नहीं पाता। क्यों नहीं बोल पाता, बिकॉज उसके ब्रेन के अंदर डैमेज हो गया एंड ब्रेन के जो फ्रंटल लोब है वहाँ पर एक ब्रोका एरिया होता है, वो अगर डिस्ट्रॉय अगर हो जाए तो उससे जो है पर्सन समझ सब कुछ पाता है लेकिन बोल नहीं पाता। यानी कि दो तरीके से नहीं बोल पाता, या तो वो समझ ना पाए वर्निक्स, या फिर वो समझने लग रहा है बट बोल नहीं पा रहा बिकॉज ऑफ द मोटर एरिया के अंदर कुछ प्रॉब्लम जो है वो हो गई है उसको। तो आई होप आपको ये चैप्टर जो पसंद आया होगा, लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट जरूर करें कि कैसा लगा आपको चैप्टर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।